Welcome to Science Tree channel, and today's topic is standardize the given HCl solution volumetrically. तो सबसे पहली चीज आती है material required. No doubt the most important one is butyrate. लेकिन हम इसको वन बाय वन ईच एंड एवरी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बीकर, इसकी बीक शेप्ड है जस्ट लाइक अ शेप ऑफ अ बर्ड बीक, और इसके अंदर हम सॉल्यूशंस को मैयर करते हैं. सिमिलरली दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनिकल फ्लास्क एंड बीकर? बीकर का जो माउथ है या जो ओपनिंग पोर्शन है वो वाइड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉनिकल फ्लास्क. इसका जो ओपनिंग पोर्शन है वो नैरो है और जो कॉनिकल फ्लास्क है वो थोड़ी इलांगेटेड है. बट यू ऑलवेज रिमेंबर कि ऑपरेटर जिस स्टाइल का बना होता है बेसिकली वो उसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है. अब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम बहुत ज्यादा कोरेसिव सब्सटेंसेस से डील करते हैं या ऐसे सॉल्यूशन से डील करते हैं जिनके गिरने का खतरा हो या जिनके गिरने से किसी किस्म के नुकसान का खतरा हो. सो दैट्स व्हाई वी यूज कॉनिकल फ्लास्क मोस्टली इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. नाउ हियर इज द वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. वॉल्यूमेट्रिक पिपेट हैज टू ओपनिंग्स, अपर ओपनिंग एंड द लोअर ओपनिंग. यहाँ पर हम अपर ओपनिंग के ऊपर एक सकर अटैच कर लेते हैं. इस सकर को जब हम पुश करते हैं तो सॉल्यूशन इसके अंदर मूव ऑन होता है, जिसकी वजह से हम इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं सॉल्यूशन को फ्रॉम वन टेस्ट ट्यूब टू अनदर टेस्ट ट्यूब. बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज अ ट्रांसफरिंग ऑपरेटर्स. जब हमने एक सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब या एक बीकर से दूसरे टेस्ट ट्यूब या दूसरे बीकर के अंदर ट्रांसफर करना होता है, एट दैट टाइम वी यूज पिपेट. नाउ दिस इज फनल. फनल को हम ब्यूरेट के टॉप ऑफ द एंड पे पुट ऑन करते हैं यहाँ पर, ताकि जो भी सॉल्यूशन हम ब्यूरेट के अंदर ऐड कर रहे हैं वो साइड्स पे ना गिरे. व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूरेट एंड दिस इज द आयरन स्टैंड ऑन विच वी हैव टू हैंग द ब्यूरेट वर्टिकली. बेसिकली ब्यूरेट को ऑपरेटर्स है जो कि बेसिकली टाइट्रेशन के अंदर यूज होते हैं. ये इसकी टैप है, यहाँ से स्लोली हम टैप को ओपन करेंगे स्लोली एंड केयरफुली. तो जो भी सॉल्यूशन हमने ब्यूरेट के अंदर लिया होता है वो फ्लास्क के अंदर मूव होना शुरू हो जाता है. ब्यूरेट कैलिब्रेटेड होता है, इट मीन्स दैट यू नो दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टेकन इन द ब्यूरेट. चूंकि ये कैलिब्रेटेड होता है, मयर्ड होता है, इसलिए जितना भी सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं उसकी अमाउंट हमें नोन होती है और बेसिकली इन रीडिंग्स के थ्रू अपनी फर्दर रीडिंग्स कैरी ऑन करती है. So this is all about the material required. Now the next thing is chemicals. Practical perform करते हुए हमें जिन चीजों की जिन chemicals की requirement है उनमें है HCl solution, sodium hydroxide solution. But please remember जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है standard solution. It means कि यहाँ पर base की strength known है. It means कि इसकी मोलर कंसेंट्रेशन वैल्यू हमें मालूम है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हुज मोलैरिटी इज नोन. तो यहां पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मोलैरिटी नोन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमने मालूम करनी है बाय द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन. तो बेसिकली हम टाइट्रेशन के अंदर यही करते हैं. बट हाउ? बाय यूजिंग एन इंडिकेटर दैट इज फिनोप्थेलिन. इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड शोज पिंक कलर इन बेसिक मीडियम. अब फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है जो जस्ट कलर चेंज प्रोवाइड करता है और इस कलर चेंज के थ्रू अपने एंड पॉइंट तक इजीली रीच कर सकते हैं. लाइक यहां पर इसका कलर शो हो रहा है. We have taken a base in the flask, then we add 1 to 2 drops of phenolphthalein in it, then later on we shake it well. Now when HCl solution will gonna be fall into it, what happened? Slowly and carefully the color will change and that color will show you that the reaction undergoes completion. Kya aapka reaction near about complete ho raha hai. Acid based titration ke andar jab hamare paas strong acid aur strong bases hote hain mostly we use फिनोप्थेलिन इंडिकेटर. और ये
डार्क मैजेंटा पिंक कलर लेता है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होने के करीब होता है, इट गिव्स लाइट पिंक कलर टू कलरलेस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रोसीजर। एग्जाम में जब आप प्रोसीजर लिखेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है लाजमी कि यू शुड हैव टू बी राइट देम इन पॉइंट्स। आप जितना क्लियरली लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू राइट द होल प्रोसीजर इन द पास्ट टेंस कि मैंने ये काम किया था, आई हैव डन दिस। सो यू हैव टू राइट ऑल द प्रोसीजर इन सच अ वे। सेकेंडली, आपकी हेडिंग्स बहुत मैटर करती हैं। आप सबसे पहले प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, देन द केमिकल्स, एंड इफ अ प्रैक्टिकल कंटेन्स अ केमिकल इक्वेशन देन डेफिनेटली यू ऑल्सो हैव टू राइट दैट। नो डाउट दैट इन टाइम टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, वी यूजली यूज टू राइट द इक्वेशंस। तो इसके बाद आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द प्रोसीजर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहला काम होता है ऑपरेटर्स को वॉश करना। हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं उनमें पिपेट और ब्यूरेट है। तो हम पिपेट के साथ क्या करेंगे कि पहले इसको वाटर से वॉश करेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों किया? इस वजह से किया क्योंकि पिपेट के थ्रू हमने जिस सॉल्यूशन को सक करना था, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अगर हम वाटर के साथ साथ उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से भी वॉश कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली क्लियर हो जाएगा। फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देयर विल बी नो चांस फॉर द इम्प्योरिटी। देन कॉनिकल फ्लास्क को हम डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, फिर हम पिपेट आउट करेंगे पिपेट की मदद से सकर को यूज करते हुए। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और उसे फ्लास्क के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने फ्लास्क के अंदर अपना रिक्वायर्ड केमिकल ले लिया विथ द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड मटीरियल। हमने बेस किस में लिए? फ्लास्क में। अब हम इसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन ऐड करेंगे, और जब बेस के अंदर फिनोप्थलीन ऐड होगी तो कलर क्या हो जाएगा? इट टर्न्स पिंक, इट टर्न्स मैजेंटा पिंक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम मूव करेंगे ब्यूरेट की तरफ। अगेन ब्यूरेट को भी हम सबसे पहले वॉश करेंगे वाटर से और देन HCl सॉल्यूशन से, और फिर हम इसको वर्टिकली हैंग कर देंगे आयरन स्टैंड पे। फिर हम फिल करेंगे इसके अंदर HCl सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फनल और नो डाउट एंड पे हम फनल को रिमूव कर लेंगे। देन वी हैव टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल इन सच अ वे कि हम ब्यूरेट को बहुत स्लोली और बहुत केयरफुली ओपन करेंगे कि 1 by 1 जो ड्रॉप्स हैं वो बेस के अंदर मूव होना शुरू हो। प्लीज रिमेम्बर बेटे कि जब आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर को फ्लास्क के अंदर डाल देंगे उस वक्त भी आपने एक दफा फ्लास्क को अच्छे से शेक करना है। एंड सेकेंड थिंग, जब आप ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज एसिड बेस के अंदर डालेंगे, फ्लास्क के अंदर डालेंगे, तब भी आपने ईच एंड एवरी टाइम फ्लास्क को अच्छे से शेक करना है ताकि दोनों की मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाए। देन आई कीप ऑन एडिंग एसिड टिल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लाइट पिंक एंड देन आई चेक वेदर दिस पिंक कलर डिसअपीयर्स बाय एडिंग 1 more ड्रॉप ऑफ द एसिड। दिस इज द एंड पॉइंट। हम ड्रॉप वाइज केयरफुली एसिड बेस के अंदर ऐड कर रहे हैं बट टाइम कम्स जब फिनोप्थलीन का कलर जो है वो लाइट पिंक होना शुरू हो जाएगा। एट दैट टाइम वी विल सी कि अब रिएक्शन कंप्लीशन के करीब है एंड दैट विल बी द एंड पॉइंट। देन वी हैव टू नोट द रीडिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल रीडिंग एंड वी हैव टू रिपीट द प्रोसीजर्स फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। नाउ व्हाट इज दिस, बेसिकली ये यहां पर टाइट्रेशन के ऑपरेटर्स को सेट करके आपको दिखाया गया। ये वर्टिकल स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, दिस इज फ्लास्क एंड दिस इज ड्रॉप वाइज HCl इज गोइंग टू बी एडेड इन टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कंटेनिंग फिनोप्थलीन।
और कलर चेंज होने के बाद लाइट पिंक हो जाएगा। अब हमने रीडिंग्स कहाँ से लेंगे, कैलकुलेशंस कहाँ से करेंगे? तो आपने इस बात को याद रखना है कि द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है और ये कैलिब्रेटेड होती है। यहां पर जब हम इसको इस लेवल तक फिलअप कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से, दैट विल बी 0 cm³। और जब हम स्लोली उसे यूज करना शुरू करते हैं, इट विल मूव अप टू सपोज 10 cm³। इट मीन्स दैट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 और 10 cm³ के ऊपर आकर फिनोप्थलीन ने अपना कलर प्रॉपरली डिस्चार्ज कर दिया है और इट मीन्स इट टू बी अ लाइट पिंक। सो एट दैट पॉइंट that will be the final reading and 0 will be the initial reading. So the difference between the 0 and 10 will be the accurate reading of hydrochloric acid solution used. It means that the volume of acid used will be taken from burette. So let's put them into the observation table. Now this is the chemical equation in which hydrochloric acid is reacting with sodium hydroxide solution and gives us sodium chloride. Why we have taken this equation over here? At this point, we need number of moles. अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो आपको पता चलेगा कि फाइंड आउट करने के लिए मोलैरिटी HCl के हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो बेटे उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स भी रिक्वायर्ड थे। नंबर ऑफ मोल्स मुझे कहाँ से मिलने थे? केमिकल इक्वेशन से। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन द केमिकल इक्वेशन। आप बताएं यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? यस, इट वन, इट्स वन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के वन। अब जब मैं ये नंबर ऑफ मोल्स डाइल्यूशन फॉर्मूला के अंदर पुट डाउन करूंगी, आई विल गेट द आंसर। दिस इज द कैलकुलेशंस और द ऑब्जर्वेशन टेबल्स, और वी कैन से दिस इज द डेटा। This is the data about volume of HCl solution used. कि यहाँ पर HCl solution का volume कितना use हुआ है? Like initially हमने 0 से start किया था, final reading 10 थी और इनका difference 10 आया. Now secondly I again repeat the practical, then thirdly I again repeat the practical. So these are the repeated readings, okay? Don't confuse with them. This is the first reading, this will be the second reading and this will be the third reading. अब करना क्या है कि 3 times हमने practical perform किया है, but all the time the result is 10. Like जब HCl solution 10 ml तक पहुंच गया था burette में, तो 20 ml पे आके color दोबारा discharge हो गया। जब 20 ml पर पहुंच गया था, तो 30 ml पे आकर color दोबारा discharge हो गया। और we can say light pink to discharge, यानी कि या तो light pink से discharge होने तक। Now we have to take the average. 10 plus 10 plus 10 divided by 3, we will get 30 divided by 3 and that will be 10 centimeter cube. Now what is this 10 centimeter cube? Volume of HCl solution used in titrating sodium hydroxide solution. These are the calculations. M1 V1 over N1 is equal to M2 V2 over N2. M1 molarity of the acid solution, V1 volume of the acid solution, N1 number of moles of acid in equation, M2 molarity of the base solution, V2 volume of the base solution and N2 number of moles of base. M1 basically bachcho HCl solution ki molarity hai jo ki unknown hai. V1 10 cm cube hai. Ye hame kahan se mila? We have taken this from burette. As we have taken HCl in the burette, तो burette को जब हम drop wise open कर रहे थे, उस वक्त हमने ये initial और final reading का difference निकाला था। N1 is 1 and we have taken this from chemical equation. M2 0.1 cm cube. This is the standard solution base and we have given this. V2 10 cm cube. V2 हमने कहाँ से लिया है? We have taken this from pipette. Pipette से हमने measure किया था सकर से कि 10 ml हमने फ्लास्क के अंदर ऐड किया, एंड N2 अगेन इज 1 एंड वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। नाउ वी हैव टू पुट देम इन द फॉर्मूला।
ऑल द नोन थिंग्स आर फ्रॉम वन साइड एंड ऑल द अननोन थिंग्स आर ऑन द अदर साइड. अब यहाँ पर हमें एम वन अननोन है तो हम इसे लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, बाकी सब राइट साइड पे ले. नाउ वी गेट द वैल्यू एम वन इज 0.1 मोलर. सो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. What is this? This statement is the result and you never forget about to write this. बेटे ये result है और इसका one number है. आपने हमेशा practical में अलहदा से result के adding देकर इसको लिखना है. What are the precautionary measures which you have to be take before performing the experiment or during the experiment? So please remember, before using conical flask and burette, these should be washed with distilled water. Second, during titration, place the conical flask on the white tile to see the color change of the indicator clearly. It is very important, a white tile below. नीचे अगर एक white tile होगी तो color change बहुत easily prominent होगा. Check that the burette doesn't leak. Okay? Thank you so much. For more videos, keep watching. Have a great day.